Sometimes a disaster, sometimes we free. वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल। और आज बीच में एक बहुत पॉपुलर ब्रांड रखा हुआ है विस्लर। मैंने पहली बार सुना है, जब लेके आया मैंने तभी सुना है, बट इसके एक और ब्रांड आता है इसी कंपनी से जिसका नाम है इंद्री। पिकार्डली ग्रुप के आते ही सारे डिस्टिलरी और बॉटल भी सारी इनकी इंडिया में ही होती है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। तो ये एक इंडियन कंपनी है, और जब मैं और राहुल इसकी हिस्ट्री के बारे में निकालने के लिए बैठे, देखे क्या है क्या नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत रिच हिस्ट्री हमें मिली और ऐसी साथ में भी सीटियां बजाने वाले हैं हम धीरे धीरे। तो 7:30 बज चुके हैं और चैनल पे बने रहना, क्योंकि अब आने वाला है आगे बहुत मजा। बिल्कुल। तो आज इससे पहले कि आगे बढ़े, सबसे पहले चखना ले आओ। चखना ले आओ यार, चलो जल्दी से लेके। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I feel so alive. ये ले भाई राहुल, ये है यम्मी। आज मटन बनाया है मैंने, और ये मटन मैंने बनाया है चर्सी मटन बोलते हैं इसको, चर्सी कढ़ाई मटन। ये पाकिस्तान का वो वाला चर्सी पाकिस्तान में एक नमक मंडी करके एक जगह है। ओके। हाँ, तो वो बहुत पुरानी मंडी है, आजादी से पहले वाला हिसाब किताब उनका। तो वहां पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनका सरनेम चर्सी है। ओके। हाँ, तो उन्होंने ये मटन बनाना स्टार्ट किया था सिर्फ 4 चीजों का इस्तेमाल करके। आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो मटन, उसके साथ लगेगी चर्बी या फिर घी, जो चाहे आप इस्तेमाल कर लो, टमाटर लगेगा और लगेगा नमक। ठीक है, ये 4 चीजें। ठीक है, मिर्ची ऊपर से, हरी मिर्ची जो इसमें डाली हुई है ऑप्शनल है, आपको पसंद है डालो, नहीं डालनी मत डालो, टोटली योर कॉल। बट इन 4 मेन चीजों से ये पूरी की पूरी डिश बनके तैयार होती है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट मैं ये कहूंगा कि वर्थ द वेट। अब चाहिए, आप धीरे धीरे, हम ब्रांड इंडिया कर रहे थे, अब वो तो हम डाल नहीं सकते पाकिस्तान से ब्रांड। चलो अच्छा कि पाकिस्तान से आउट ऑफ द बॉर्डर जाके, तो पाकिस्तान भाइयों का भी हमें प्यार मिलना चाहते हैं इस बार,
तो उनके लिए एक डिश है ये भी, और इंडिया वालों के लिए तो है ही भाई। देखो तो ये डिश मैं ऐसी देख रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इसने भी एक फरमाइश रखी कि भाई बहुत दिन हो गया मटन नहीं खाया तो मटन बनाते हैं, तो आज बताओ जरा चक्के। चलो सिर्फ चार चीजों से बना हुआ मटन कैसा है? कैसा है? सबसे पहले तो गला कैसा है? सबसे पहले मैं वही कहने वाला था कि मटन का ना गलने का रेशियो होना चाहिए बढ़िया। मटन गल जाता है ना तो उसका सारा अरोमा उसके उसमें आ जाता है, उसकी ग्रेवी में, और ये होना चाहिए बेस्ट पार्ट। मटन का, टमाटर का और घी का जो फ्लेवर है ना मुंह में एकदम घुल जा रहा है। मतलब इसको ना आप, मैं नहीं कहूँगा इसको राइस के साथ या किसी भी रोटी के साथ ट्राई करो, मैं कहूँगा इसको ना स्ट्रेट आप खा सकते हो, चखने के लिए बेस्ट है ये। बिल्कुल, और ये ना इतना लाइट है कि आप किसी भी बढ़िया दारू के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें जो बेस्ट पार्ट है ना वो यही है कि इसको पकाया कैसे जाए, क्योंकि जितना मटन पकता है ना उतना अच्छा टेस्ट देता है, ये मटन की खास बात है। मटन का अरोमा बहुत खुल के आता है, फिर सारी चीजें कॉम्बिनेशन होकर आ जाती है, फिर मटन तो मटन नहीं रह जाता, वो फिर एक बढ़िया सी डिश के तो मखमली हो जाता है, वो फिर है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार आपको चलाना पड़ेगा, बट हाँ जैसे मैंने कहा वर्थ दी वेट। हाँ वर्थ दी वेट है ये, और मस्ट है रेसिपी है। प्लीज पंजाबी फ्रेंड हमारे जितने भी है और पाकिस्तानी फ्रेंड जो भी, इन्होंने नहीं ट्राई करा वो प्लीज ये पाकिस्तानी डिश ट्राई करो और मजे लो इसके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा इंडियन दारू पिलाओ हमें। हाँ अब बात करते हैं विस्की, आप पीटी बनाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे इस बॉटल के बारे में। इस बॉटल और इसका कवर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे हो व्हाइट कलर का कवर है। रवि कवर डिस्क्राइब करो यार। भाई देखो इसकी डिस्क्राइब मैं क्या करूँ, एक 2021 में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पे स्प्रिट्स टेस्टर करके एक बॉडी है, उन्होंने इनको गोल्ड अवार्ड दिया था इनकी पैकेजिंग के ऊपर, एंड नो डाउट पैकेजिंग काफी अच्छी। और उसी ईयर के दौरान इनको बेस्ट लिक्विड का भी अवार्ड मिला था, उसी ईयर के दौरान 2021 में सेम कंपनी से। हाँ सिल्वर अवार्ड मिला था इनको, बेस्ट एज इन सेकंड बेस्ट मिला था, बट हाँ दोनों के दोनों अवार्ड इस ब्रांड के पास है। ठीक है, ब्रांड से मेरा मतलब है इस पर्टिकुलर विस्की के पास है। बिल्कुल हाँ, इंद्री जो इनका एक अलग सिंगल माल्ट है, एक अलग सेगमेंट है, उसके पास तो बहुत ही सारे ब्रांड वो है अवार्ड्स। ठीक है, जब वो आएगी तब उसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा इस कंपनी की हिस्ट्री विस्की के बारे में बताओ जरा। तो कंपनी का जो इतिहास शुरू होता है वो होता है 1953 से, मैन के एन शर्मा ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था 1953 में, और उसके बाद जो उसका आगे का जो कार्रवाई चली सब कुछ आगे बढ़ा, उसके बाद आगे जाके इन्होंने एक शुगर मिल भी परचेज करी जाके 94 में। ठीक, और उसके बाद जहाँ तक मेरे को याद है ये 2008 में पहली इंडियन कंपनी बनी जिसको परमिट मिला केन जूस से अल्कोहल बनाने का, केन जूस मतलब शुगर केन। और फिर 2009 में इन्होंने खुद पहली इंडियन कंपनी ऐसी बनी जो अपने बूते पे इन्होंने अमेरिका से बर्बन के बैरल मंगाए, ओक बैरल्स मंगाए, जिसपे ये पूरा का पूरा एजिंग प्रोसेस करते हैं आज के टाइम पे भी। और जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसका नाम केदारनाथ एंड संस था, और अब इसका बदल के इसका नाम अब पिकार्डली हो गया। बिल्कुल, तो पंजाब से जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब ये 2-3 स्टेट में है, हरियाणा में भी है, और अब ये एक्सपेंड कर रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पे मैंने देखा था कि ये एक इंडिया की ऐसी स्टैंड अलोन कंपनी है जो इंडिया में खुद का एक सिंगल मॉल्ट, हाईएस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट बना रहे हैं आज के टाइम। बिल्कुल, काफी ज्यादा इनकी बिक्री हो रही है। वी ऑल नो कि पॉल जॉन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट मेकर है, और अब उसके टक्कर में भी कुछ ऐसे ब्रांड्स आने लग गए। और इस कंपनी के सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये कहीं से भी एनर्जी नहीं लेते हैं, इनका एनर्जी खुद ही कंजम्पशन करते हैं और खुद ही बनाते हैं। इनके पास इतने साले सोलर पैनल लगे हुए हैं, भारतीय एनर्जी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा अपना जो भी है इन हाउस का रखा है, मतलब इको फ्रेंडली और प्रॉपर इको फ्रेंडली कंपनी है। तो इस तरह से जो अपने इनके लोगों में दिया हो ना घोड़े, इस तरह से घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबके घोड़े फेल कर देने वाले हैं। और इनका लोगो बहुत अच्छा है तो मेरे को भी लगा। कंपनी के बॉटल की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ऊपर गोल्ड कलर का दे रखा है, नीचे व्हाइट है, प्योर रखते हैं सब चीजें। इस बॉटल का कलर भी ऊपर व्हाइट है, कैपिंग बहुत अच्छी दे रखी है, नीचे विस्लर विस्की के नाम से लिखा हुआ है। एक चीज जो अभी इन्होंने अब आगे जाके इसको ठीक कर दिया है, पहले काफी लोगों ने इसके ऊपर चीजें उठाई थी, पहले सिर्फ ना ये विस्लर लिखा हुआ था ना उसके आगे ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की लिखा होता था, जो अभी इन्होंने ऐड कर दिया बैरल एजेड ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की अब इन्होंने ऐड कर दिया है। क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की मतलब क्या है, मतलब क्यों है, मतलब सिर्फ ये क्यों लिखा है, उसके बाद अब इन्होंने बैरल एज ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की अब इन्होंने ऐड करना चालू कर दिया है अपनी बॉटलिंग पे।
अब विस्लर एक चीज और बता देता हूँ, एक आयरिश विस्की है, वो भी बहुत फेमस विस्की है। उसका भी नाम विस्लर है, उसका नाम द विस्लर है। काफी महंगी भी है इंडिया में। ब्लू कलर का उसका अमेरिका से लोगो है, ऐसी है, व्हाइट ब्राउन कलर का है। इंडिया में आई एम नॉट श्योर कि वो अवेलेबल है भी कि नहीं, अगर होगी तो वो भी लेके आएंगे शो पे कभी। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है आयरिश विस्की तो नेक्स्ट लेवल ही होगी। बट हाँ, इंडिया में इन्होंने विस्लर नाम से एक ये विस्की, एक इंडियन विस्की आई है और ये बाहर भी बेक रहे हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी है, इनकी बोतल पे बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेजिंग पे, नो एडेड फ्लेवर। कोई भी फ्लेवर एड नहीं है, एंड जो भी इसका फ्लेवर है खुद का फ्लेवर है। अगर ऐसी बात है और जो प्राइस रेंज राहुल अब डिस्क्लोज करेगा थोड़ी देर में, पहले दारू पी के फिर हम प्राइस बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक काम करो, पोर तो करो ही, पोर तो कर ले यार, और कर ले। बढ़िया कैप, थोड़ा सा चीप लगा मेरे को, थोड़ा सा लो क्वालिटी लगा, प्लास्टिक का है ना। बट आई गेस इन्होंने बढ़िया कैप इंद्री के लिए बचा के रखा हुआ है ना। इसके बॉटल ना कुछ ना मेरे को ना जो जॉनी वॉकर होते हैं ना, उनके बॉटलिंग याद दिलाती है। सिर्फ ये ऊपर से राउंड है, नीचे से स्क्वायर है, नीचे से स्क्वायर का रखा है, जो काफी अच्छा बॉटलिंग दिया हुआ है इन्होंने मुकाबले में। अरोमा काफी अच्छा आ रहा है वैसे। अब देखते हैं वो अरोमा ही है या पक्का है। चलो स्टार्ट करें। तो जैसे कि सबसे पहले कलर पे आते हैं, ठीक है, परमिटेड नेचुरल कलर एडिट है, जो कि बॉटल पे भी लिखा हुआ डीमिलिटराइज्ड, ग्रीन स्प्रिट है इसके अंदर, और आपका वॉल्ड है, वॉल्ड से बनी हुई है ये। बिल्कुल। अब मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है। अगर ये लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो तो प्लीज जरूर हमें बताइएगा, या जो भी जानता है वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि इसमें मोलेसेस एडेड है कि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि ये इंडिया की पहली इंडियन कंपनी थी जिनको केन जूस से अल्कोहल बनाने का परमिट मिला था। तो ऑब्वियसली केन जूस तो ये खुद बना ही रहे हैं, आप केन जूस से ही मोलेसेस भी बनता है। तो इसमें जो इन्होंने स्पिरिट बोला है, नेचुरल ग्रेन स्पिरिट जो बोला है, वो केन से बना हुआ है या प्रॉपर ग्रेन्स जो एक्चुअल ग्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे बना है, कोई आइडिया नहीं है। बट देखेंगे। हाँ, 3 साल तक मैच्योर भी कराया उन्होंने खुद से बोला होगा, वो 3 साल तक इन्होंने मैच्योर कराया बहुत अच्छे, उसके बाद बॉटल में उतारा गया है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। चल कलर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक कलर एडिट है, लेकिन कलर ठीक है, मेरे को कलर से इतना ज्यादा वो नहीं है। कलर ठीक है, बिल्कुल नेचुरल सा कलर लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही हल्का सा कॉपरिश कलर है, बिल्कुल हल्का कॉपरिश कलर है जो अच्छा बॉटल उसको देता है लुक। चलो नोजिंग, देखो स्पिरिट का बन तो है, आ रहा है नोजिंग में, आ रहा है, बट उतना हैवी नहीं। वनीला का, क्योंकि वनीला ना उसको हल्का सा दबा रहा है धीरे धीरे। आपको इसमें नोट्स पता चल जाएंगे, थोड़ा सा टॉफी का नोट पता चलेगा आपको इसमें, थोड़ा सा वुडी इफेक्ट भी आपको इसमें पता चलेगा। हाँ, स्पिरिट थोड़ा सा हैवी है नोट पे लगता है, बट उसके अलावा बाकी चीजें आपको इसमें फील होंगी। हाँ, मीठी सी लग रही है, मिठास है, मतलब की नोजिंग में मिठास आ रही है, मतलब की वो फील होता है ना एक बबनी सा, वो आ रहा है इसके अंदर। बिल्कुल, बारिश हो रही है बाहर, माहौल बन रहा बढ़िया सा। दिल्ली आजकल ऐसी हो गई है भाई, दोपहर में आप चले जाओ दिल्ली में और शाम को आ जाओ आप शिमला में, ऐसा चल रहा है। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में रुको, शाम तक का वेट करो और एंजॉय करो। चलो आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग करते हैं। चलो भाई, चीयर्स। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इसको नीट पिए, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको आइस क्यूब जब भी वाटर या सोडा जो आप ऐड करने का उसका पिए, क्योंकि माउथ बर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कलेजे को फाड़ता हुआ जा रहा हो, आराम से जा रहा है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इतने इस बिस्की को आप विदाउट वाटर आप इंजॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप वाटर के साथ ही इंजॉय करेंगे मेरे हिसाब से। तो अभी तो आएगा टेस्ट कर, कैसा घुमा? देखो अल्कोहल बर्न है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बट अगर आप अल्कोहल बर्न को अगर साइड रख दो ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इसमें स्मोकी इफेक्ट है ना, मजेदार। मतलब आजकल इंडियन विस्की बहुत अच्छी स्मोकी इफेक्ट दे रहे हैं, और इसमें काफी अच्छा फील होगा आपको, जो ये ओक बैरल में जिसमें मैच्योर करवा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छी तरह अच्छे नोट्स, अच्छे नोट्स आ रहे हैं उससे। जैसे मैंने बताया था, आपका टॉफी का नोट्स है इसमें, ग्रेप वाला नोट है, क्योंकि ये जो बैरल इस्तेमाल कर रहे हैं ये या तो एक्स बैरल है या फिर
ये जिनमें ऑलरेडी बर्बन को या फिर वाइन को मैच्योर करवा दिया जाता है, उसके बाद ये उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो पुरानी वाइन या बर्बन जो है ना उसका भी नोट्स इसमें आ जाते हैं और वो आ रहे हैं, मतलब ऐसी नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। आपको उसके अंदर वनीला का तो प्रॉपर मालूम मिलेगा, ग्रेप का भी हल्का फुल्का, डूडा इसके अंदर जो बर्बन उन्होंने का बैरल में कराया उसका भी आपको हल्का सा मालूम पड़ेगा। क्योंकि सच बताऊं ना, मैं इसको नीट प्रेफर कर सकता हूँ, मतलब इसका जो इन्होंने जो फाइनल फिनिश जो दिया है ना इसका स्मोकी वाला, एंड आई लव स्मोकी फिनिश, और इन्होंने काफी अच्छा फिनिश दिया, और जो अल्कोहल बर्न था ना काफी भी, ऐसी सारी होती हैं विस्कीज कि अल्कोहल बर्न ना काफी देर तक रहता है, बट वो धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब मुंह से बिल्कुल अल्कोहल बर्न चला गया है और एक सेंसेशन रह गई है आपकी स्मोकी इफेक्ट की, मुझे यार पसंद आई। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में बन रही है इस टाइम में, जो उसका पैकिंग है सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। 42.8% अल्कोहल के साथ आती है, 75% प्रूफ के साथ आती है, और साथ में इसका जो प्राइस है दिल्ली के अंदर वो 780 रुपीज़ है। अगर आप हरियाणा एलवन से लेके आते हैं तो आपको ये सिंगल बॉटल पड़ेगी 700 रुपये की। अगर आप इसको तीन कैटेगरी में लेते हैं, मतलब एक साथ तीन बॉटल परचेज करते हैं, 1650 की आपको पड़ेगी, यानी कि 550 की सिंगल बॉटल पड़ेगी आपको हरियाणा के अंदर। बहुत अच्छी, 700 रुपए में एक नया वेरिएंट है, 700 रुपए में अभी हमारे पास और भी 780 रुपए में हाँ मिल जाएगी, वो सिग्नेचर वगैरह आ जाती है ना। तो हाँ, सिग्नेचर को एक बहुत तगड़ा मुकाबला देगी यार ये इस टाइम पे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे को थोड़ा सा ओकस्मिथ से बेटर लगी। ओकस्मिथ में वो यार बहुत ज्यादा बट उसमें ना नोट्स वगैरह उसमें सब कुछ है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह है, बट जो उसका फिनिश है ना वो मेरे को उस टाइम पे भी इतना पसंद नहीं आया था। हाँ वो बर्बाद है, आई डोंट लाइक इट, बहुत ज्यादा उसमें बर्न है, और मतलब कि ना उन्होंने वो की इफेक्ट इतना डाल रखा है ना कि उस विस्की का ना मजा ही बिगड़ जाता है। ओकस्मिथ सिल्वर बेटर है जैसे मैंने आपको बताया था कंपेयर टू गोल्ड, एंड आप गोल्ड के आगे तो ये मैं रख सकता हूँ एनी टाइम, मेरे को मजा आया था। चलो जी, पानी डाल दिया है, जरा फिर से एक बार कलर देख लेते हैं, ज्यादा फर्क आया नहीं है, हल्का फर्क आया। नोजिंग बहुत टेक्सचर आ रहा है, बहुत अच्छा उभर के आ रहा है, अब बहुत मजा आ रहा है इसकी नोजिंग करने में। एक्चुअली अल्कोहल बर्न तो खत्म हो गया, नहीं स्प्रिट बिल्कुल खत्म हो गया है ना। स्प्रिट मतलब बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल ही डाउन चला गया हो, 19-20 का फर्क रह गया बस, वो अब काफी अच्छा था दे रहा है कॉम्प्लीमेंट इसको नोजिंग करते हुए, बहुत मजा आ रहा है नोजिंग करते हुए। मतलब ब्रेजिन हो गया, ग्रेप हो गया, थोड़ा सा सिट्रस वाले जो फ्रूट होते हैं ना आपके खुले हुए फ्रूट, जैसे क्या बताऊं, हाँ पाइनएप्पल हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स और रवि ने बताया दिया है, ग्रेप भी हो गया, बटर स्कॉच है ना। ओए चलो टेस्ट करते हैं। पता क्या इसका बेस्ट बात क्या है, हमने इसके अंदर वाटर डाला, बहुत कम वाटर डाला है, लेकिन फिर भी ना इसने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी। स्मोकीनेस अभी भी है, स्मोकीनेस अभी भी है, आपको ओकीनेस स्मोकीनेस दोनों मिलेगी, ठीक है। ओक बैरल का जो एक टेस्ट होता है, एक अलग प्रोफाइल होता है, वो मिलेगा। पानी डाल के बटरी वाला फ्लेवर थोड़ा सा खुल गया है, थोड़ा सा बटरी होगी माउथ पे और ज्यादा बढ़िया लग रही है। पीटीनेस आपको फील होगी यहाँ पे पानी के बाद, तो और थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाएगी आपको। यार मेरे को पसंद नहीं यार, अपना काम कर रहा है पूरा। अब एक ही इनके जो रम है ना वो भी ट्राई करनी है। तीन ब्रांड है इनके आज के टाइम पे मार्केट में। सबसे पहला मतलब विस्लरी आया था 2020 में, उसके बाद विस्लर आया, फिर आया इनकी इंद्री आई, और अभी लास्ट ईयर आई है 2022 में इनकी रम आई है ठीक है। हाँ तो तीनों चीजें ट्राई कर लेंगे, ठीक है। प्राइस लगे पड़े हैं 20-21-22 में निकाल ही दिए उन्होंने थोड़ा तीन ब्रांड, और अच्छे हैं ना, टेस्ट प्रोफाइल मजा आया। मैं सोच रहा हूँ इनका ब्लेंडेड इतना बढ़िया है कि एक स्कॉच को, लिटरली एक स्कॉच को टक्कर दे सकता है ये आज के टाइम पे, और छोटे मोटे स्कॉच के नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। ये मेरे हिसाब से अगर इसका स्पिरिट बर्न अगर आप थोड़ा सा मैं कर सकते हो ना, तो ये अच्छे खासे नामी ग्रामी स्कॉच को बिना किसी दिक्कत के टक्कर दे जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट को टक्कर दे सकता है ये आपकी स्मूथनेस में। ये 100 पाइपर्स को टक्कर नहीं दे पाएगा, बट कॉम्प्लेक्सिटीज में आराम से ये 100 पाइपर्स को टक्कर देगा। रेड लेबल से तो बहुत बेटर है, देखो मेरे को रेड लेबल पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आती। चलो देखो बिस्किट इतनी बढ़िया कि दोनों के ग्लास खाली हो गया।
आज का रिव्यू भी थोड़ा चीज दिया है हमने, बट नो डाउट अच्छा अच्छा विस्की थी, मजा आया पीने में। तो आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना था, तो इससे ज्यादा और कुछ है नहीं आज बोलने के लिए। अब है ये बोतल इंजॉय करने के लिए, हाँ ठीक है। और भी वीडियो आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है आजकल क्योंकि बिजी चल रहे हैं, हमारा एडिटर भी बिजी चल रहा हूँ, मैं भी बिजी चल रहा है, ये भी थोड़ा एक दो दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, हमें बताया आप बड़ा प्यार दे रहे हो हमें, ओ है ना, तो जल्दी से अर्जी लगाओ, वीडियो खत्म करते हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और रवि की बढ़िया बढ़िया डिशेज बनाना बिल्कुल मत भूलना है, क्योंकि विदाउट चकना दारू बेकार और विदाउट दारू चकना बेकार, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा है बढ़िया वाली चीज। और ऐसे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैं और रवि आपसे मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे, बने रहिए चैनल पर। बिल्कुल, तो जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जल्दी मिलेंगे एक नए बढ़िया से ब्रांड के साथ और कुछ ऐसे ही बढ़िया से चखने के साथ, तब तक की मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स।